हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम एसएससी सीएचएसएल सी सी टू जो आपका 2024 आपका हुआ था 18 ग्यारह 2024 को उसका यहां पर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं आप देखोगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो सीजीएल का होने वाला है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेन्स में अभी रिसेंटली कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप सभी को ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करने हैं और जो भी आपका मैंने ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये मॉक फॉर्म में एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे आप पहले वहाँ से प्रैक्टिस करना फिर सॉल्यूशन देखना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं आसान क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखोगे आपको डेटा सफिसियंसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आपको डेटा सफिसियंसी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस बार सी एच एस एल मेन्स में और आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन भी यहाँ नहीं दिखेगा तो वो भी नहीं पूछा गया है तो आगे हम देखेंगे और जो क्वेश्चन पूछे हैं कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे देखेंगे अगर एक कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन की बात मैं करूँ जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करवाया था मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन है जो सेम उसी तरीके से पूछा गया बस थोड़ा सा चेंज किया गया है आप देखोगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री आप देखोगे कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है आप देखोगे इंस्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल रिपीटेड वार्निंग्स तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस जो आपका बैच है सी का उसमें भी करवाया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिडन मोबाइल तो यहाँ पे आपका क्रैकर का है तो आप देखो इस तरीके से आपके जो प्रैक्टिस में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो उन सभी को आपको जो भी आपके यहाँ पर प्रैक्टिस बैच वाले हैं उन्हें सभी आपके जो भी आपके प्रैक्टिस क्लासेस हैं उन्हें देखना है और सारे क्वेश्चन आपने करने तो आप देख सकते हो तो कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं बस ये होता है कि उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो ऐसे पूछे जा सकते हैं और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने किए हुए हैं और तो यहाँ अभी आप देखोगे डी का डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके सामने इसकी पी डी टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो पहले आप खुद से जरूर ट्राई करना तो क्वेश्चन क्या है सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है हमें यहाँ पे 19 नौ आपका एक लिखा हुआ है तो हमें इस नंबर पर जाना है वन में और जा किस सकते हैं ये जो आपको दो नंबर दिए हैं इनसे हमें जाना है तो आपको पता है कि 173 सेवनटी थ्री पर जाना है तो अगर आप 19 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कितना आता है यहाँ पे 171 आ जाएगा और इसमें आप दो ऐड करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा 173 हो जाएगा बहुत ही आसान है सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे आप देखोगे छः को सत्रह से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सत्रह छक्का एक सौ दो होता है इसमें हम दो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है वन जीरो फोर मिल जाता है तो काफ़ी आसान पैटर्न है ऐसे आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन ही यहाँ पे नजर आएगा आप देखो यहाँ पे इलेवन को हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे फोर्टी फोर मिलेगा और इसमें हम यहाँ पे दो ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा फोर्टी सिक्स तो आपका राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे क्या है 89 नाइन इज़ रिलेटेड टू 78 यानी कि 89 जो है 78 से रिलेटेड है सेम 97 86 है और 72 बताना है आपको और नोट पे यही लिखा है जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं वो आपको होल नंबर पे करने हैं और नंबर को आपको ब्रेक नहीं करना है तो डिजिट में ब्रेक नहीं करना है यही लिखा हुआ है अब आप देखोगे एट्टी को यहाँ पर सेवेंटी लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया है कि आपको गैप देखना है और ऐसे आप देखोगे यहाँ पर नाइन्टी को क्या लिखा हुआ है एट्टी लिखा हुआ है और आपको बताना है सेवेंटी टू को क्या लिखा जाएगा अगर आप यहां पे गैप देखते हो तो आपको सीधे दिख रहा है कि नाइन में से एट यहाँ पे वन यहां पे माइनस इलेवन किया हुआ है तो सेम यहां भी आप देखोगे माइनस इलेवन किया है तो यहां भी हम माइनस इलेवन करेंगे तो दो में से एक आपका एक आएगा सात में से एक छो सिक्सटी वन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन थर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है ये आपका इनिक्वलिटी का क्वेश्चन है आपको मैंने बताया है कि जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन आए तो जहाँ से गेट ओपन है वहाँ से आपको एंटर करना है तो आप देखो पहले कंक्लूजन में हम टी से एम की ओर ट्रैवल करते हैं टी से एम की ओर क्योंकि यहाँ से गेट ओपन है तो टी से एम की तरफ जाना है तो आपका टी ये है और एम यहाँ है तो क्या आप टी से एम तक जा सकते हो पहली कंडीशन तो यही है कि आपका गेट ओपन होना चाहिए अब देखो ये अगर ये आपका गेट है तो यहां से तो ओपन है यहां से तो आप जा सकते हो लेकिन इस साइड से सा आप एंटर नहीं कर सकते ये मैंने बताया अब देखो क्या टी से एम तक आप जा सकते हो नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर जो गेट है ये तो बंद हो गया आप जा ही नहीं सकते मैंने कहा टी से एम तक ट्रैवल करना और यहाँ गेट बंद है तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा पहली कंडीशन यहाँ पे गलत होगी ऐसे ही अब हमें जेट से एन की तरफ जाना है यहाँ भी आप देखो जेट से अगर हम एन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे गेट बंद है आपका जो गेट है वो क्लोज है तो यहाँ भी हम नहीं जा सकते तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा दोनों कंक्लूजन जो होंगे यहाँ पे रॉन्ग होंगे तो आप क्या बोलोगे नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर से कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू तो ऑप्शन टू यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इफ़ टू इज एडेड टू ईज डिजिट यानी कि क्या बोल रहा है जो और डिजिट है उसमें हमें टू एड करना है एंड वन इज़ फ्रॉम ईच इवन डिजिट और वन जो है हमें सब्टैक्ट करना है इवन डिजिट से फिर आपके पास जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी डिजिट्स विल अपियर मोर देन वंस यानी कि ऐसे कितने डिजिट हैं जो आपका एक से ज़्यादा बार आती हैं जो आपका न्यू नंबर बनता है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं जो आपका नंबर दिया हुआ है टू थ्री फाइव एट फोर सिक्स वन सेवन तो आपको पता है जो भी आपका और डिजिट है उसमें हमने प्लस टू करना है और जो आपका इवन है उसमें हमने क्या करना है माइनस वन यानी कि जो विषम संख्या है उसमें हमने प्लस टू जोड़ना है और जो सम संख्या है उसमें हमें एक माइनस करना है अब टू क्या है आप बोलोगे टू तो आपका यहाँ पे इवन है ठीक तो तो है? है तो इसमें आप माइनस वन करोगे तो आपका वन आ जाएगा अब थ्री क्या है ऑड है तो इसमें आप प्लस टू करोगे तो फाइव आ जाएगा फाइव क्या है ऑड है इसमें प्लस टू करोगे तो आपका क्या आ जाएगा सेवन एट क्या है इवन है तो इसमें माइनस वन करोगे तो सेवन आएगा फोर क्या है इवन है इसमें माइनस वन करोगे तो थ्री आएगा सिक्स क्या है आप बोलोगे इवन है तो इसमें भी माइनस वन करोगे तो फाइव आएगा वन क्या है ऑड है तो इसमें आपको प्लस टू करना है तो आप क्या बोलोगे प्लस टू करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तीन आएगा और सात जो है ये भी ऑड है इसमें आप प्लस टू करोगे तो आपको कितना मिलेगा नाइन मिलेगा अब देखो जो आपका न्यू नंबर बना इसमें आपको बताना है कि कितनी ऐसी डिजिट हैं जो आपका एक से ज़्यादा बार आई हुई है तो आपको एक तो दिख रहा है सेवन है जो दो बार आया है एक आपको दिख रहा है ये फाइव है जो आपका दो बार आया है एक आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन है तो ऐसी कितनी डिजिट है तीन डिजिट है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है आपको बताना है थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर ट्राइड्स आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस अ ग्रुप विच इज़ विच इज़ द नंबर ट्राइड दैट डज नॉट बिलोंग टू डैट ग्रुप तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता ऑड वन आउट का क्वेश्चन है यहाँ भी आप देखोगे नाइन्टी फोर एट्टी फाइव सेवेंटी सिक्स लिखा है मैंने आपको बताया गैप तो आपको जरूर देखना है क्योंकि इससे पहले सी जी एल में भी काफ़ी गैप वाले क्वेश्चन आए थे तो यहाँ भी अगर आप देखते हो तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है नाइन्टी फोर नाइन्टी फोर एट्टी फाइव और सेवेंटी सिक्स अगर आप यहाँ से गैप देखते हो नाइन्टी फोर से एट्टी फाइव में तो आप बोलोगे माइनस नाइन किया हुआ है और यहाँ अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि माइनस नाइन हुआ है तो माइनस नाइन है पहले वाले में तो माइनस नाइन है दूसरे में आप देखते हो तो यहाँ भी आप देखोगे माइनस नाइन किया हुआ है माइनस नाइन है और फिर 103 से 94 देखोगे तो यहाँ भी आप देखोगे छः तीन माइनस नाइन है तो यहाँ तो आपको सेम पैटर्न दिख रहा है माइनस नाइन का गैप है यहाँ पर ठीक है तो ऐसे आप यहाँ देखोगे सेवेंटी सिक्स से सिक्सटी सेवन तो छः तीन नौ यहाँ भी है उसके बाद आप देखोगे सिक्सटी सेवन से फिफ्टी फोर में आप देखोगे नौ का गैप नहीं है तो यहाँ ये पैटर्न नहीं लग रहा है यहाँ आप देखोगे एट्टी सेवन से सेवनटी एट नाइन का गैप है सेवनटी एट से सिक्सटी नाइन देखोगे यहाँ भी आपका नाइन का गैप है तो आपका ऑट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन थ्री है आसान सा पैटर्न है सिंपल यहाँ पर क्या है आपका गैप दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लिखा है टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड हैव बिन गिवन दीज स्टेटमेंट मे बी इंडिपेंडेंट कॉज और इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज और अ कॉमन कॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट मे बी द इफेक्ट ऑफ अदर स्टेटमेंट रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है क्या बोला है यहाँ पे आप देखोगे जो आपके ऑल अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स शेड्यूल फॉर टुमारो इन बालासोर हैव बीन कैंसल्ड बाय द यूनिवर्सिटी न्यू डेट्स विल बी अनाउंस्ड अर्ली नेक्स्ट वीक तो आप देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको लग रहा होगा जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम जो है वो आपके क्या किए गए हैं कैंसिल किए गए तो ये आपका इफेक्ट हो सकता है ठीक है इसके पीछे क्या कारण है आप ये देखो अगर ये इफेक्ट है तो सेकेंड वाले को देखो क्या है? इसके पीछे ये कारण है सेकेंड में क्या लिखा हुआ है हाई विंड्स एंड वेरी हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड इन बालासोर टुमारो एज द साइक्लोन मेक्स आ लैंडफॉल बाई थ्री पी एम अब देखो आप देखोगे बालासोर में कल के निर्धारित की गई सभी स्थानीय स्नातक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं नई तारीखों की घोषणा गोश, जो है अगले सप्ताह के शुरुआत में की जाएगी बालासोर में कल तेज हवाओं और अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है क्योंकि साइक्लोन के दोपहर तीन बजे तक धरती से टकराने की संभावना है तो आपको सीधे समझ में आ रहा है कि दूसरा वाला तो कारण है पहला वाला क्या है प्रभाव है ठीक है दूसरा वाला जो कॉज है ठीक है इसी कारण तो यहाँ पे क्या की गई है जो भी आपके एग्जाम्स की डेट है वो क्या कर दी गई है यहाँ पे पोस्टपोन कर दी गई है स्थगित कर दी गई है तो आप बोलोगे यहां पे इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर सेकेंड इज द कॉज सेकेंड कॉज है ठीक है भारी बारिश की संभावना है तभी तो ऐसा किया गया है तो सेकेंड कॉज है फर्स्ट क्या है इसका आप बोलोगे फर्स्ट इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट तो सेकेंड कारण है और फर्स्ट इसका क्या है संभावित प्रभाव है तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखोगे जब भी हम नेक्स्ट बॉक्स में जा रहे हैं क्या हो रहा है तो एक आपका जो एलिमेंट है वो ऐड हो जा रहा है फिर जब हम फर्स्ट से सेकेंड में गए तो पहला वाला एलिमेंट सेम रह रहा है मतलब बदल नहीं रहा है जैसा पहले था पहले बॉक्स में वैसे सेकेंड में रहा अब देखो दूसरे से तीसरे में क्या हुआ जो पहले दो एलिमेंट थे वो तो आपके सेम है थर्ड आपका यहाँ पे ऐड हो गया तो इसी तरीके से फोर्थ में हुआ जो पहले तीन थे वो तो सेम है और आपका फोर ऐड हो जा रहा है अब फोर्थ में देखो क्या ऐड हुआ है ये ऐड हुआ है ठीक है ये वाला जो फर्स्ट में था तो इसके बाद क्या ऐड होना चाहिए तो ये वाला साइन ऐड होना चाहिए इस तरीके से आप बोलोगे ये साइन ऐड होना चाहिए पहली बात तो ये आपको दिख रहा है तो आप देखोगे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक ही एलिमेंट ऐड हो रहा है तो टोटल पाँच एलिमेंट होनी चाहिए थे यहाँ पर तो आपको छः दिख रहा है यहाँ आप देखोगे जो ये साइन है जो आपका ऐड हुआ है यह आपका गलत डायरेक्शन में ऐड हुआ है यानी कि इसके बाद इसके बाद आप देखोगे ये वाले साइन के बाद आपका ये जो एलिमेंट था इसके बाद आपका ये एलिमेंट ऐड हो रहा था तो ये भी नहीं होगा यहाँ आप देखोगे ये यहाँ भी एलिमेंट गलत ऐड हुआ है तो ये भी नहीं होगा तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा देखो बाकी सारे एलिमेंट सेम है जो फोर्थ वाले में थे और फिफ्थ में एक एलिमेंट ये ऐड हो गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर है काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी आपका फिगर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल साइन का है प्लस को माइनस लिखा गया मतलब प्लस और माइनस इंटरचेंज करने हैं और इनटू और डिवाइड इंटरचेंज करने हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है 21 प्लस सेवन हो जाएगा इनटू 144 हो जाएगा डिवाइड यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस होगा 18 हो जाएगा आप देखोगे सबसे पहले डिवाइड करोगे यहाँ पर बॉडमास वाला रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप देखोगे कितना आ जाएगा तीन चक्को बारह और आपका तीन अट्ठा चौबीस फोर्टी एट होगा फिर सात से मल्टीप्लाई करोगे सात अट्ठा छप्पन की छः पाँच और आपका सात चक्कू अट्ठाईस और पाँच कितना हो जाएगा आप बोलोगे आपका थर्टी थ्री हो जाएगा तो तीन सौ छत्तीस आएगा माइनस अट्ठारह आएगा तो आपका तीन सौ अट्ठारह हो जाएगा तीन सौ अट्ठारह में आप ऐड करोगे इक्कीस तो आप बोलोगे आठ एक नौ दो एक तीन तीन सौ उनचालीस हो जाएगा यूनिट डिजिट देखते तो सीधे नौ आपका ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट हो जाता तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा थ्री थ्री नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपका जो आपके सी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो डाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के सारे 85 क्वेश्चन डाले हैं और आप देखोगे उसमें ये भर भर के ये वाला पैटर्न पूछा गया और जो कि काफ़ी आसान भी है मैंने आपको बताया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डार्क को ये लिखा गया है आर ए के ई को ये लिखा है आपको बताना है ई को क्या लिखा जाएगा तो आपको देखना ये है कि ई आपका कौन से स्टेटमेंट में है आपको नजर आएगा कि ई आपका पहले स्टेटमेंट में नहीं है ई आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी जो होगा वो सिर्फ आपका सेकेंड स्टेटमेंट में ही होना चाहिए क्या आपका सिक्स हो सकता है आप बोलोगे हो सकता है क्योंकि आपका सिक्स पहले में नहीं है क्या फोर हो सकता है फोर नहीं होगा क्योंकि फोर आपका यहां रिपीट हो रहा है क्या थ्री होगा थ्री भी नहीं होगा थ्री रिपीट हो रहा है क्या एट होगा एट भी नहीं होगा एट भी रिपीट हो रहा है तो आपका सीधे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अगर आपसे पूछा गया ई e के लिए आपका क्या कोड है तो आप बोलोगे ई e के लिए आपका सिक्स है तो ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है फिर से समझा दूँ दो क्वेश्चन पूछे गए आप आपसे क्या पूछा गया ई e के लिए क्या कोड होगा आपको सिर्फ ये देखना है कि ई e आपका जिस स्टेटमेंट में होगा उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए उसी में होगा आप देखो ये आपका पहले स्टेटमेंट में नहीं है तो इसका मतलब तीन दो आठ चार में से कोई भी आंसर नहीं होगा अगर आपको तीन दो आठ चार ऑप्शन में दिख रहे हैं तो, तो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे तीन नहीं होगा चार नहीं होगा आठ नहीं होगा बच्चा क्या अच्छा छह इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है रिपीटेड सीरीज का अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पे ठीक है अभी तक हम जो रिपीटेड सीरीज के पैटर्न हमने किए थे तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पैटर्न है वो पहली बार पूछा जा रहा है इससे पहले अगर आप यूट्यूब पे भी आप देखोगे रिपीटेड सीरीज की क्लास तो वहाँ भी मैंने ये पैटर्न कराया था दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल में पूछा गया था मैंने एक आप देखोगे थम जो है रिपीटेड सीरीज ऑल टाइप्स करके होगा उसमें इस तरीके के पैटर्न पूछे गए थे प्रैक्टिस क्लास में भी मैंने ये पैटर्न करवाया अब यहाँ पे आप देखोगे किस क्या पैटर्न है यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप देखोगे आर ई एम आर आर ई डैस आर डैस डबल ई एम डबल आर ई ई एम तो यहाँ पे आप देखोगे क्या पैटर्न है ठीक है अभी थोड़ा सा आवाज़ अगर नॉइज आ रहा होगा तो उसे थोड़ा इग्नोर करना आप तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप देखोगे यहाँ पे आर ई एम आर आर ई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपके कुछ लेटर जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो पैटर्न क्या है लेकिन स्टार्टिंग में रिपीट नहीं हो रहे हैं आप देखो यहाँ पर क्या है आर ई एम ठीक है ये तीन लेटर के अलावा आपको कोई और लेटर दिख रहे हैं आर ई एम के अलावा ठीक है ये आर ई एम यही लेटर आपको बार बार दिख रहे हैं ऑप्शन में भी आप देखोगे कोई नया लेटर नहीं है तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना जैसे आर ई एम ये आपका एक एक बार आया देखो आर एक बार आया ई e एक बार आया एम एक बार आया इसके बाद आप देखो पहले तीन का बना था अब जो ग्रुप यहाँ पर बना है चार का बना है इसमें आप देखोगे जो ये आर है ये आपका दो बार आया ई e एक बार आया और यहाँ पर जो एम आएगा वो भी आपका एक बार आएगा इसके बाद फिर देखना चार के बाद आपका पाँच का बना आप देखोगे पाँच का बना इसमें आर दो बार आया ई भी दो बार आया देखो ये दो जो है आपके दो बार आए फिर से ई दो बार आया और यहाँ पे एम जो है ये आपका एक बार आया इसी तरीके से आप जब नेक्स्ट में जाएंगे छः का बनेगा इसमें जो ये तीन लेटर हैं सभी जो हैं आपका डबल डबल आएंगे जैसे डबल आर आया है तो आप देखोगे डबल ई है डबल एम है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आप बोलोगे एम आर ई एम एम आर ई एम होगा जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ आप देख सकते हो ये आपका डबल बार आया है ये भी आपका डबल आया है और ये भी डबल आया पैटर्न समझ में आया पैटर्न क्या है पहले तीन का ग्रुप है जिसमें आपके जो आर ई एम है ये सभी एक एक बार आए उसके बाद सेकेंड में क्या हुआ जो आपका पहला यहाँ पे लेटर है वो डबल बार आया बाकी सारे एक बार थर्ड में क्या आया हुआ जो पहले शुरुआत के आपके दो थे आर और ई e, ये आपके डबल बार आए एम एक बार आया फोर्थ में क्या हुआ तीन जो आपके लेटर थे ये आपके क्या है तीनों डबल बार आए तो इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है और ये पैटर्न मैंने आपको वीडियो का बताया कि आपका रिपीटेड सीरीज की जिसके थंबनेल में लिखा होगा ऑल टाइप्स ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल में ये टाइप पूछा गया था तो उससे आपको ये ध्यान में रखना है और पैटर्न आप ध्यान में कैसे रख सकते हो आप देखोगे शुरुआत में जो आर ई एम है ये आपका एक एक बार आए हुए हैं और उसके बाद आप देखोगे ऑप्शन में भी यही जो लेटर हैं रिपीट हो रहे हैं आगे भी आप देखोगे डबल ई डबल आर आपको नजर आ रहा है तो इससे आप एक बार अपने माइंड में से ध्यान में रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम आर ओ डब्ल्यू डी एंड सी यूजिंग ईच लेटर मैंडेटरी बट ऑनली वंस इन ईच वर्ड तो क्या लिखा है आर ओ डब्ल्यू डी और सी से अंग्रेजी में के कितने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन केवल एक बार उपयोग किया जाना चाहिए तो आपको यहाँ पे पांच लेटर दिए हुए हैं ठीक है पांच क्या क्या हैं ठीक है ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए मतलब तीन क्वेश्चन ये पूछे गए हैं अब इसमें देखो इसको करने का तरीका तो पहला तो ये है कि आपको जो भी मीनिंगफुल वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए यानी कि वॉकअ में आपको ये पता होना चाहिए कि मीनिंगफुल है या नहीं है दूसरा यह है कि अब यहां पे आप सोचोगे कि इसमें कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं है अब देखो टोटल आपके पांच है और यह आपके यहां पे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जैसे आप कहोगे कितना अरेंजमेंट किया जा सकता है तो आप बोलोगे फाइव फैक्टोरियल अब सारे वर्ड तो आप बना नहीं सकते फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ टोटल जो यहां पे अगर वर्ड बनाए जाते मीनिंगफुल की बात नहीं कर रहा हूं अगर ये क्वेश्चन होता है जैसे आपने देखा होगा परम्यूटेशन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं इससे ये पांच लेटर से तो आप बोलोगे कि यहां पर फाइव फैक्टोरियल पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक तो आपका यहां पे कितना आ जाएगा पांच बीस बीस या साठी साठी दुनिया एक सौ बीस टोटल आपके यहां पे कितने वन ट्वेंटी वर्ड बनाए जा सकते हैं अब वन ट्वेंटी वर्ड तो आप यहाँ पे लिख नहीं पाओगे क्योंकि इतना टाइम तो होगा नहीं ठीक है तो अब अगर आपने सोचा वन ट्वेंटी वर्ड में बनाता तो हूँ ये हो सकता है फिर सोचूंगा कि इसमें से कौन सा मीनिंगफुल है तो ये तो नहीं कर सकते तो शुरुआत में आपको ऐसे ही करना है कि आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड आगे पीछे करके सोचना है कि क्या बन सकता है इससे ठीक है ऐसी कोई ट्रिक नहीं है आप देखो अगर वन बनाओगे तो उसमें भी आप देखोगे ट्वेंटी बार पहले आपका आर आएगा फिर इसी तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा इसमें तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे सोच सकते हो आगे पीछे करके आपने कहा आर ओ डब्ल्यू डी सी में आप देखोगे ओ डब्ल्यू आर डी सी इस तरीके से चेक कर सकते हो पहले कुछ सेकेंड में आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप और देखोगे यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वह आपका बन रहा है सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड बन रहा है ठीक है तो क्राउड बन रहा है एक है बाकी और भी ट्राई करके देख सकते हो जैसे आपने कहा ओ से मैं देख लेता हूँ ओ डब्ल्यू डी सी आर अब आप खुद ही सोचो अगर आप 120 सौ बीस यहाँ पे बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा इसी तरीके से 120 सौ बीस यहाँ पे वर्ड बनाया जा सकते हैं फिर उसके बाद आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आपका आपका मीनिंगफुल वर्ड है तो यहाँ पे जो बन रहा है क्राउड बन रहा है और एक ही यहाँ पे बन रहा है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा वन यानी कि अगर एक भी बन गया तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता तो एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करोगे तो कोशिश ये करो कि आपको एक मिल जाए बाकी अगर एक बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब यही कोशिश करनी होगी आगे पीछे करके आप देख सकते हो कि डब्लू से आपने शुरू कर दिया डब्लू से कुछ बन सकता है डी से कुछ बन सकता है तो आगे पीछे करके ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट बताना है थ्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पेयर आर अलाइक इन सम मैनर हैंड्स अ ग्रुप विच वर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप तो आपको यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है कि आपके तीन तो आपका एक तरीके से किसी मैनर में सेम होंगे एक आपका अलग होगा अब देखो क्या लिखा हुआ है टेलीविजन का ट्राइंगल है टेलीविजन का त्रिभुज है रिंग का सर्किल है अंगूठी का ब्रथ है बॉल का स्पेयर है गेंद का गोला है और बर्थडे हैट का आपका शंकु है अब आप देखोगे जो आपकी जन्मदिन की टोपी होती है वो शंकु टाइप की होती है ठीक है कौन टाइप की होती है ऐसे आप देखोगे जो बॉल है वो स्पेयर है स्पेयर टाइप है उसका रिंग जो है आपका सर्किल रंग रिंग जो होती है सर्किल टाइप की होती है तो यहाँ पे जो आपका टेलीविजन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप बोलोगे टेलीविजन का ट्रायंगल नहीं होगा त्रिभुज नहीं होता है टेलीविजन तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बाकी तीन ऑप्शन को आप देख सकते हो जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेप दिया हुआ है अंगूठी का सेप सर्किल की तरह होता है बॉल का सेप जो होता है स्पेयर की तरह होता है बर्थडे हेड का जो सेप होता है वो आपका कोन की तरह होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर सुड रिप्लेस ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत ये आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है अब आपको देखना है हैच है की जगह पे क्या आएगा ऑप्शन से आप ट्राई करोगे अगर आप सोचते हो कि हैच की जगह पे यू डब्ल्यू ए आता तो आप देखो यू डब्ल्यू ए हैच की जगह पे आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा वी एक्स बी अब जो पैटर्न आपका यहाँ से यहाँ है वही पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए तो आप यहाँ पे देखोगे ए सी जी से आपको बताना है और यहाँ पे आपका परसेंटेज की जगह पे तो आप देखो यहाँ से पैटर्न आपको क्या दिख रहा है U W A अगर होता तो यहाँ पे V X भी है तो आप बोलोगे U से भी प्लस वन है W से X प्लस वन है A से B प्लस वन है तो यहाँ भी आपका प्लस वन होना चाहिए A से प्लस वन करोगे तो यहाँ पे B आना चाहिए C से प्लस वन करोगे तो यहाँ पे D आना चाहिए G से प्लस वन करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे H आएगा तो आप क्या बोलोगे जो आपका हैज की जगह पे है वो आपका क्या होना चाहिए यू डब्ल्यू ए होना चाहिए और परसेंटेज की जगह पे आपका क्या होना चाहिए बी डी एच होना चाहिए तो आप देखो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यू डब्ल्यू ए बी डी एच और पैटर्न सेम है प्लस वन प्लस वन प्लस वन है तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना हैज़ है वाला आपका जो है ये ऊपर है और परसेंट वाला आपका नीचे है तो जो पैटर्न पहले में होगा लेटर एनालॉजी में होता वही पैटर्न आपका यहाँ होना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्या लिखा हुआ है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो आपका बैठे हुए हैं एक रो में नॉर्थ डायरेक्शन को फेस है आप देखो अगर नॉर्थ डायरेक्शन को फेस है तो इधर आपका राइट हो जाएगा और यहाँ आपका क्या होगा लेफ्ट होगा अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाते जाते हैं क्या लिखा हुआ है टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू टी जो है आपका इमीडिएट राइट right में है यू के अगर ये यू है तो इसके इमीडिएट राइट right में क्या आ जाएगा टी आ जाएगा आगे क्या लिखा हुआ है वाई इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ़ यू वाई जो है फिफ्थ लेफ्ट में बैठा है यू के तो यू ये है तो फिफ्थ लेफ्ट कहाँ होगा इधर होगा एक दो तीन चार पाँच वाई आपका यहाँ बैठ जाएगा आगे आपका क्या लिखा हुआ है जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड बी टी एंड पी जेड जो है इमीडिएट नेबर है टी और पी का तो यानी कि जेड यहाँ पे होगा और पी यहाँ पे हो जाएगा तभी तो ये दोनों का इमीडिएट नेबर होगा आगे लिखा है वी इज सिटिंग फिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ टी वी जो है टी के फिफ्थ लेफ्ट में है तो आप बोलोगे एक दो तीन चार पाँच वी आपका यहाँ आ जाएगा आगे आपका क्या लिखा हुआ है ओ इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड ओ जो है एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है एंड देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड वाई ओ और वाई के बीच में क्या है एक पर्सन है तो इसका मतलब यहाँ होगा वो हो, ठीक है ओ और वाई के बीच में एक पर्सन यहाँ बैठा होगा उसके बाद क्या लिखा है इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सीटेड अगर कोई भी पर्सन रो पे नहीं बैठा तो टोटल कितने बैठे हैं ये बताना है तो आप बोलोगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल ग्यारह बैठे हुए हैं तो यानी कि इलेवन इसका राइट आंसर होगा ग्यारह यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो होगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू फिगर सी इन द सेम वे एज फिगर बी इज रिलेटेड टू फिगर ए तो आपको बताना है कि ए और बी जैसे रिलेटेड है वैसे सी और डी होने चाहिए अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आप देखोगे ये जो क्वेश्चन मार्क है जब ए से बी में जा रहे हैं डबल हो जा रहा है ये वाला कॉर्नर पे जो आप बोलोगे लेफ्ट बॉटम पे जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे जो है लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम पे वो आपका मिडिल में जा रहा है और डबल हो जा रहा है तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होने चाहिए डबल ये ये वाला साइन डबल होना चाहिए ठीक है ये तो आपको दिख रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा ऑप्शन थ्री भी नहीं होगा इन दोनों में से एक होगा उसके बाद आपको नजर आएगा जो ये आर है ये आपका यहाँ जा रहा है लेकिन ये आपका क्या हो रहा है उल्टा हो जा रहा है या आप इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो बी भी यहाँ पे उल्टा हो जाना चाहिए ठीक है रोटेट हो जाना चाहिए ये ऑप्शन टू नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बी सी में है वही सेम यहाँ पे डी पे दिख रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है कुछ इसमें ऐसा है नहीं दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर ठीक है ये आपका जो एक दो तीन चार ये स्टार की स्टार भी यहाँ पे बदल रहा है तो इसी तरीके से ये भी आप देखोगे इसमें भी बदल जाएगा एक जो आपके कॉर्नर है यहाँ पे वो आपके ज़्यादा आ जाएंगे एक्स्ट्रा जब यहाँ जाएगा तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगर आप इसको देखते हो इस आर को और इस आर को तो ऐसे ही बी भी, भी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर काफी आसान है आप देखो यहाँ पे आपको सेप दिए हुए हैं यानी कि आपको फिगर दिए हुए हैंगजागन ट्राइंगल पेंटागन स्क्वायर ऑक्टागन तो आपको बताना है एक ऑर्डर पे अरेंज करना है तो सबसे पहले आप बोलोगे ट्राइंगल आएगा क्योंकि इसकी तीन साइड होती है यानी कि सेकेंड वाला आएगा उसके बाद स्क्वायर आएगा वर्ग इसकी चार साइड होती हैं टू फोर से स्टार्टिंग होनी चाहिए तो आप देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, भी नहीं है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा ट्राइंगल के बाद स्क्वायर आएगा स्क्वायर के बाद पेंटागन आएगा यानी कि थर्ड वाला पेंटागन के बाद हेक्सागन आएगा क्योंकि इसमें छः साइड होती हैं तो आपका फर्स्ट आ जाएगा फिर आपका ऑक्टागन लास्ट में आएगा यानी कि इसमें आठ साइड होती हैं तो आपका दो चार तीन एक पाँच इसका राइट right आंसर होगा जो कि ऑप्शन टू करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है फिर से देखो यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्मड यूजिंग ए ई डी एन ए ई डी एन से आपको बताना है कि आपके कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बनाए जा सकते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको देखना है ए डी एन से तो फिर से वही बात है अगर आप यहाँ पे टोटल बनाओगे तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फोर फैक्टोरियल यानी कि चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक चार तैयार बारह दूनी चौबीस टोटल आपके यहाँ पर चौबीस बनेंगे आप चौबीस यहाँ पर आप बना सकते हो ठीक है आप चौबीस बनाओगे तो यहाँ पर ए से स्टार्टिंग छः होगा फिर इस तरीके से बना सकते हो नहीं तो शुरुआत में तो आपको टाइम लग जाएगा यानी कि आपके दो तीन मिनट यहां पे लग सकते हैं तो आप ये सोचो कि अगर आप इसको देखते हुए आगे पीछे करके बना सकते हो तो पहले इस तरीके से सोच लो जैसे आप देखोगे ए ई डी एन तो कुछ भी नहीं होगा ई ए डी एन आप देखोगे ई ए डी एन भी आपको नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे आप देखोगे डी से डीन नजर आ रहा है आप बोल सकते हो डी ई ए एन डीन -E आपका यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड है तो आपको ये मिल जाएगा आगे आप देख सकते हो और भी आप बना सकते हो एन डी ई ए एस ये भी आपको नज़र नहीं आएगा फिर ई से देख सकते हो आप ठीक है शुरुआत में आपको यही करना है नहीं तो बाकी अगर आपको सारे बनाने चौबीस 24 के चौबीस 24, तो फिर ये आप लास्ट में ट्राई करना शुरुआत में अभी आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है जैसे आप अगर पाँच और छः लेटर आ गए ठीक है छः लेटर से बनाना है तो तब तो बहुत सारे यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएंगे तो वो तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था तो यहाँ पे डीन जो है वो आपका एक मीनिंगफुल है तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि एक ही यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है आपको मिरर इमेज बतानी है तो सबसे पहले तो एफ आना चाहिए देखो एफ आएगा तो ये आपका एफ कैसे दिखेगा एफ आपका इस तरीके से दिखेगा ठीक है एफ ऐसे दिखना चाहिए तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होने वाला अब ऑप्शन थ्री भी नहीं होगा यहां तो आपका सेम ही एफ दिख रहा है तो टू और फोर में से एक होगा जी तो सेम है लेकिन एन देखो एन यहाँ पे जैसा एन यहाँ बनाया हुआ है वही सेम यहां कैसे बन जाएगा ठीक है तो ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा आपको पता है कि मिरर के सामने जो होगा पहले वही बनेगा और लेफ्ट और राइट right आपका चेंज हो जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन टू करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है फिर से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ठीक है ऑड वन आउट का क्वेश्चन है यहां पर भी आप देखो गैप अगर आप देखते हो उनतीस चवालीस अड़तीस के बीच में उनतीस और चवालीस के बीच में अगर आप गैप देखते हो कितने का गैप है ये ट्वेंटी नाइन है ये फोर्टी फोर है थर्टी एट है तो यहाँ से आप देखोगे आपको कितने का गैप दिख रहा है आप बोलोगे पंद्रह है प्लस पंद्रह किया हुआ है यहाँ आप देखोगे माइनस छः किया हुआ है यहाँ भी आप देखोगे इकतीस से छियालीस प्लस पंद्रह किया हुआ है और यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आपका माइनस पाँच किया हुआ है ठीक है यहाँ आप देखोगे यहाँ भी आपका प्लस पंद्रह है और यहाँ आपका माइनस छः है यहाँ आप देखो प्लस पंद्रह है और यहाँ जो है आपका क्या है माइनस छः तो आप देखोगे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में क्या है सेम पैटर्न है प्लस पंद्रह माइनस छः जबकि ऑप्शन टू में ऐसा नहीं है तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट होगा ये यहाँ पर ऑड है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बताना है सिलॉक्स का क्वेश्चन है सम क्रेयन इस कलर लिखा हुआ है ठीक है कुछ क्रेन जो हैं वो आपके क्या हैं कलर हैं इस तरीके से आप बना लो ठीक है क्योंकि दोनों सी से स्टार्टिंग हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि दोनों का नाम लिख लेना नो कलर इज वाटर लिखा है नो कलर इज वाटर तो नो कलर वाटर है तो इस तरीके से क्रॉस लगाना है बताया है वेन डायग्राम कैसे बनाना है सम वाटर इज लिक्विड लिखा है तो सम वाटर जो है वो आपके लिक्विड हो गए अब पहला क्या है सम क्रेन इज लिक्विड क्या कुछ क्रेन जो है लिक्विड है नहीं है आपको बताया ये आपका कब सही होगा जब आपको वेन डायग्राम या तो इस तरीके से दिखे या आपको ऐसे दिखना चाहिए इन दोनों में से कोई भी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा दूसरा क्या है सम क्रेन इज नॉट वाटर यानी कि सम क्रेन इज नॉट वाटर का मतलब क्या हुआ क्रेन का कुछ हिस्सा जो होना चाहिए वाटर के पूरे हिस्से के साथ नो करलेशन होना चाहिए यानी कि क्रॉस दिखना चाहिए तो क्रेन ये है और वाटर ये है, तो कुछ हिस्से का वाटर के पूरे हिस्से के साथ नो कर लेसन है तो ये आपका सही हो जाएगा ऐसे आप देखो सम लिक्विड इज नॉट कलर सम लिक्विड इज नॉट कलर ये आपका कब सही होता है नॉट सम नॉट वाला कब सही होता है जब या तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिखे यानी कि इसके कुछ हिस्से का इसके पूरे हिस्से के साथ नो कर लेसन या तो आपको ये वाला डायग्राम दिखे या आपको ये दिखना चाहिए कि ये आपका दोनों है ठीक है लिक्विड और कलर हैं इनके बीच में आपको इस तरीके से यानी कि पूरे के बीच में नो नोकर लेसन इन दोनों में से एक आपको वेन डायग्राम दिखना चाहिए अब आप यहां पे देखोगे सम लिक्विड इज नॉट कलर में ये आपका लिक्विड है और ये आपका कलर है तो आपको कौन सा डायग्राम दिख रहा है ये वाला दिख रहा है यानी कि कुछ हिस्सा लिक्विड का कलर के पूरे हिस्से के साथ नो नोकर लेसन ये दिख रहा है तो आप बोलोगे ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा तो आपका राइट right आंसर क्या होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ऑप्शन फोर जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो जैसे आपने कहा पहला तो आपका गलत ही हो रहा है ठीक है पहला गलत हो रहा है तो आप कहोगे ये तो आपका आंसर ये हो सकता है ठीक है ये वाला तो नहीं होगा एक ऑप्शन यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दोगे तो ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है जो मैंने आपको बताया ये आसान क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं नेक्स्ट है आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है यहाँ पे तो आप देखोगे इसको आपको बनाना है सबसे पहले आप देखो यहाँ जाएगा तो यहाँ आप मिरर लगा लो अगर आप मिरर लगाओगे तो ये वाला यहाँ पे मिरर इमेज की तरह बनेगा ठीक है मिरर इमेज की तरह बनेगा तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता ठीक है ये तो सेम ही दिख रहा है ठीक है सेम ही दिख रहा है तो आप बताएं मिरर के सामने जो पहले होगा वही दिखेगा यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये दिखना चाहिए था तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा बाकी इन ऑप्शन में से आपके तीनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि आपका सेम है सब में अब देखो यही जो फिगर यहाँ पे बनेगा ये ऊपर जाएगा अब जब ऊपर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ भी मिरर लगेगा तो ये एक वाटर इमेज की तरह बन जाएगा अगर आप देखो यहाँ पे ये मिरर है यहां ट्रायंगल ऐसे है तो जब ऊपर इसकी इमेज बनेगी तो इस तरीके से दिखना चाहिए ऐसे दिखना चाहिए ठीक है ये आपस में एक दूसरे को दिखेंगे तो आप देखोगे यहाँ तो ऐसा नहीं है और यहां भी आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है तो आपका राइट right आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा करेक्ट तो ऑप्शन टू यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है एम एन क्यूपी को ये लिखा हुआ है और आपका कोडिंग डिकोडिंग का है ए बी ई डी को ये लिखा है आपको बताना है आई जे एम एल को क्या लिखा जाएगा तो हम देख लेते हैं एम एन क्यू पी इसे क्या लिखा हुआ है एस टी डब्ल्यू वी आप देखोगे गैप देखोगे एम से एस प्लस छः है यहाँ भी प्लस छः का गैप है यहाँ भी प्लस छ का है और आप देखोगे पी को वी लिखा है सॉरी एस टी डब्ल्यू वी यहाँ भी आप देखोगे प्लस छः का गैप है तो प्लस छः का गैप है सिंपल है यहाँ भी आप देखोगे ए बी ई डी में प्लस छः है E से के प्लस छः डी से जे प्लस छः तो यहाँ भी आपका प्लस छः होगा आई जे एम एल तो नौ प्लस छः पंद्रह यानी कि ओ होना चाहिए ये ऑप्शन तो नहीं होंगे उसके बाद यहाँ पर दस प्लस छः सोलह यानी कि ओ पी होना चाहिए फिर तेरह प्लस छः उन्नीस एस होना चाहिए बारह प्लस छः अट्ठारह आर होना चाहिए तो ओ पी एस आर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो होगा करेक्ट होगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ठीक है ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो ये मैंने आपको टेस्ट में भी करवाया था तो अभी हम देखते हैं इसे जो यहाँ पे पूछा गया यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा गया कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है इंस्पाइट ऑफ प्रिंसिपल रिपीटेड वार्निंग अ चाइल्ड वॉच कॉट विद अ हिडन मोबाइल फोन इन द स्कूल तो यहाँ पर रिपीटेड वार्निंग के बावजूद भी जो चाइल्ड है वो पकड़ा गया है मोबाइल के साथ तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिंसिपल की बार बार चेतावनी देने के बावजूद स्कूल में एक बच्चा जो है मोबाइल फ़ोन छुपाए हुए पकड़ा गया है तो इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कार्रवाई क्या होनी चाहिए अब देखो पहला क्या है पहला बोला है द मोबाइल फ़ोन शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स शुड बी कॉल टू द स्कूल दूसरा क्या है द चाइल्ड शुड बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग दिस मिस्टेक बच्चे से मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाना चाहिए और माता पिता को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए बिल्कुल सही है ठीक है मोबाइल ले लेना चाहिए और पेरेंट्स को यहाँ पे स्कूल में बुलाया जाना चाहिए ये यह कार्रवाई यहाँ पे सही है दूसरा क्या है इस गलती के लिए बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए द चाइल्ड शुड बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग दिस मिस्टेक बिल्कुल किया जाना चाहिए यहाँ पर क्यों किया जाना चाहिए अगर इसने ये पहली बार किया होता तब तो इसको डांट के हम छोड़ देते इसको एक वार्निंग देते हम छोड़ देते पहली बार क्या होता लेकिन ये बच्चे ने पहली बार नहीं किया रिपीटेड वार्निंग यानी कि कई बार पहले ही वार्निंग दी जा चुकी है फिर भी ये काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या इसको पनिश किया जाना चाहिए तो आप क्या बोलोगे दोनों कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होंगे सही होंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपको दिया गया है ये आपका ऑड वन आउट का है लेकिन फिगर ऑड वन आउट का है अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑड है अब आपको दिख रहा है कि ये जो आपके यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये आपका क्रॉस चले जा रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट में देखोगे ये सी यहाँ गया बी यहाँ गया आपने देखा होगा एक अक्षय कुमार का एक वो सीन भी है जिसमें वो दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करता है तो इसी तरीके से यहाँ पे किया गया है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए था एल यहाँ इस तरीके से होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ये आपका ऑड हो जाएगा यहाँ पे यहां देखोगे सेम है ए यहां गया है ये यह डॉलर यहां गया है इसी तरीके से बी यहाँ गया है हैज यहां गया है तो आप क्या बोलोगे ऑप्शन टू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जो कि आपका ये ऑड है ठीक है बाकी तीन तो सेम है सेम पैटर्न दिख रहा है ऑप्शन टू में ऐसा नहीं है तो ये ऑड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन ये भी आपका कोजैन इफेक्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग एंड डिलीसियस सलाद्स आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए विटामिन सी फॉलेट कैल्शियम फाइबर फाइटोन्यूट्रियट्स विच आर गुड फॉर हेल्थ नेक्स्ट जो है आपका इट इज परफेक्ट वे टू बिगन अवर डे विथ सलाद इन ऑर्डर टू लीड अल्दी लाइफ क्या लिखा गया है तरु ताजा और स्वादिष्ट सलाद में प्रति ऑक्सीकारक विटामिन ए विटामिन सी फॉलेट कैल्शियम फाइबर और फाइटोन्यूट्रियट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं दूसरा क्या लिखा है स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत सलाद खाकर करना एक बहुत ही अच्छा उपाय है अब आप देखो क्या पहला इफेक्ट है क्या दूसरा इफेक्ट है आपको ये नज़र आएगा या मतलब पहला अगर इफेक्ट है तो क्या दूसरा इसका कॉज है बिल्कुल नहीं क्या दूसरा इफेक्ट है तो पहला इसका कॉज है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा इफेक्ट है ठीक है इसने क्या बोला स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत सलाद खाकर करना एक बहुत ही अच्छा उपाय है अब ये अच्छा उपाय क्यों है क्योंकि सलाद में क्या होता है इसने लिखा है सलाद में प्रति ऑक्सीकारक विटामिन ए विटामिन सी फॉलेट कैल्शियम फाइबर और आपका ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और यहीं पर आपका दूसरे में क्या लिखा है स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत सलाद खाकर करना एक बहुत ही अच्छा उपाय है यानी कि आप क्या बोलोगे पहला जो है कॉज है और दूसरा जो है इसका क्या है इफेक्ट है तो आपका राइट right आंसर क्या होगा फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकेंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपको यही देखना है पहली बात तो आपको ये देखना है कि क्या पहला इफेक्ट है दूसरा इसका कॉज है ठीक है ये देखना है वो आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा है दूसरा आप देखोगे क्या पहला कॉज है दूसरा इसका इफेक्ट है तो आपको यह नजर आ रहा है कि पहला तो कॉज है दूसरा इसका क्या है इफेक्ट है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज द कॉज और सेकेंड जो हो सकता है इसका पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है फिर से आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन है सम राइस इज वाइड लिखा हुआ है तो जो कुछ राइस हैं वो वाइट हैं ऐसे आपको वेन डायग्राम बनाना है सम राइस इज़ ब्राउन लिखा हुआ है कुछ जो राइस हैं वो आपके ब्राउन हैं ये आपने लिखा अब सम वाइट इज वीट लिखा हुआ है ठीक है सम वाइट इज वीट तो ये सम वाइट है वाइट और वीट को पहला क्या था ये वाइट था ठीक है ये लिख देता हूँ नाम और वीट जो है आपका ये है तो इसलिए आपको नाम जरूर लिख लेना ये आपका वेन डायग्राम है सॉरी सम नहीं है यहाँ पे नो वाइट इज़ वीट लिखा हुआ है ये इसका आंसर था शुरुआत से बना लेते हैं क्या लिखा हुआ है सम राइस इज वाइट सम राइस जो है वो आपके क्या हैं वो आपके वाइट हैं ठीक है और सम राइस इज ब्राउन कुछ राइस जो है वो आपके ब्राउन भी हैं और आगे लिखा है नो वाइट इज वीट यानी कि कोई भी वाइट जो है वो आपका क्या है वीट नहीं है तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाना है अब देखो पहला क्या है कंक्लूजन सम वीट इज ब्राउन मैंने आपको बताया वीट जो है ब्राउन है तो ये डायग्राम आपका ऐसे बनेगा या तो आपको ये पैटर्न दिखना चाहिए वीट और ब्राउन के बीच में या आपको ये दिखना चाहिए इन दोनों में वीट और ब्राउन में इन दोनों में से कोई पैटर्न दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है कोई भी वेन डायग्राम नहीं दिख रहा है तो पहला क्या है आपका रॉन्ग है दूसरा क्या है सम राइस इज नॉट व्हीट यानी कि राइस का कुछ पार्ट जो है वीट नहीं होना चाहिए तो ये राइस है ये वीट है तो आप कहोगे ये दिख रहा है आपको राइस का कुछ हिस्सा जो है वीट के पूरे हिस्से के साथ नो का है ये आपका सही हो जाएगा दूसरा क्या है सम ब्राउन इज नॉट व्हाइट अब ब्राउन और वाइट के बीच में नो का दिख रहा है कि आपको ब्राउन और ये है वाइट है इसके बीच में ऐसा क्रॉस कहीं भी नहीं दिख रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा आप क्या बोलोगे ओनली सेकेंड कंक्लूजन जो होगा फॉलो होगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से देखो कोडिंग डिकोडिंग का वही पैटर्न आप देखो आपसे क्या पूछा गया वट इज़ द कोड फॉर ई इन डैट लैंग्वेज ई किस में है? आप देखो क्या ई e आपके पहले स्टेटमेंट में दिख रहा है आप बोलोगे नहीं अगर ये पहले स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा ना तो तीन होगा ना ही दो होगा ना ही सात होगा ना ही चार होगा ये तो आंसर हो ही नहीं सकते ई e जिसमें होगा इसका कोड भी उसी में होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा ई e यहाँ है सिक्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट सेट एनालॉजी का है आप देखोगे क्या पैटर्न है सिंपल दिख रहा है यहाँ पे आप देखोगे कि सात इलेवन सेवन इलेवन थर्टी थ्री है सात प्लस चार इलेवन है और इसको तीन से मल्टीप्लाई किया तेतीस आ गया ऐसे आप देखोगे चौदह प्लस चार अट्ठारह अट्ठारहतियाँ चौवन तो यहाँ पे आप देखोगे अट्ठारह प्लस चार ये तो नहीं है पाँच चार नौ है नौ चक्कू छत्तीस है ये भी नहीं है बारह चार सोलह सोलहतियाँ अट्ठालीस ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि आपका सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है पहले में प्लस फोर हो रहा है फिर तीन से मल्टीप्लाई किया बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है फिर से आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और यहाँ पे आप देखोगे वाई पी आर ए वाई पी आर है तो इसमें आप देखो मीनिंगफुल वर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो आप देखोगे क्या बन सकता है आर वाई पी ए ये कुछ नहीं है आपको पहले ऐसे ही ट्राई करना है शुरुआत में अगर आप यहाँ पे टोटल बना वो भी कर सकते हो टोटल आपके यहाँ पे जो अरेंजमेंट होंगे मैंने बताया चार है तो चार फैक्टोरियल ठीक है तो इसमें आपका चौबीस आपके बन जाएंगे चौबीस आप बना सकते हो फिर उसमें से देख सकते हो मीनिंगफुल क्या है ठीक है अगर आपके पास समय है लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसी तरीके से आप बनाओगे अभी देख सकते हो ए से आप देखोगे ए आर वाई भी नहीं बन रहा है ए पी आर वाई नहीं बन रहा है फिर आप देखोगे आर वाई आर वाई आर ए पी वाई ये भी नहीं बन रहा है आर से नहीं बन रहा है ठीक है पी से आप देख लो पी आर ए वाई ठीक है पी आर ए वाई प्रे बन रहा है यहाँ पे पी आर ए वाई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन तो यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तो यही आपको देखना पड़ेगा बाकी चौबीस बनाओगे चौबीस बनाने के बाद भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीनिंगफुल है या नहीं है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका ऑड वन आउट का है अब देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या हुआ कि यहाँ पहला एक बॉक्स था सेकेंड में गए तो तीन हो गए यहाँ भी एक एरो था यहाँ तीन हो गए यहाँ सी है तो यहाँ भी तीन होने चाहिए थे और यहाँ देखो एक लाइन है और यहाँ तीन लाइन होगी तो आप कहोगे कि आपका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थ्री हो जाएगा क्योंकि ये आपका ऑर्ड है बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ जो है वो आपके क्या हैं सेम है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थ्री होगा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो आसान क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ जो मीनिंगफुल वर्ड वाला है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे आप कहोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे आपको देखना जरूरी है तो ये क्वेश्चन है बाकी आपके आसानी क्वेश्चन थे यहाँ पे सबसे तो ये है कि इस बार इसमें डेटा सफिशियंसी के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया स्टेटमेंट कंक्लूजन का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके आगे सीजियल मींस में भी पूछे जा सकते हैं तो बाकी अगर आप ये देख सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस बैच लेना है कि उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए वो आप ले सकते हो एप्लीकेशन से उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में